हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माय बेस्ट विशेस फॉर यू। हाउ आर यू? टुडेज वीडियो इज स्पेशली बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ टेंस। बिफोर इट यू हैव बीन टॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द लर्निंग ऑफ translation of present indefinite and past indefinite tense. Today's topic is future indefinite tense. You have to know what is future indefinite tense and how to translate the Hindi sentences into English. Aaj ka topic hai future indefinite tense. जैसा कि इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या और इसके अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे यह आपको बताया जाएगा। फ्यूचर का मतलब भविष्य, भविष्य काल। आपको टेंस का जब इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था तब बताया गया था कि फ्यूचर का कोई भी वाक्य होगा तो उसके अंत में गा गे गी आएगा। तो फ्यूचर का मुख्य पहचान ही है गा गे गी, अर्थात वाक्य के अंत में क्रिया शब्द में गा गे गी आना, इसका मुख्य पहचान ही है गा गे गी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा ये आपको जानना। यू हैव टू नो हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनटू इंग्लिश। पहले आप अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाउ टू ट्रांसलेट द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश। किसी भी वाक्य का जब आप अनुवाद करते हो तो यू हैव टू फॉलो फॉर्मूला। अब इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद किसी भी टेंस का जब आप अनुवाद करते हो तो उस टेंस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल। तो सब्जेक्ट के उपरांत विल अथवा शैल का प्रयोग होगा, विल अथवा शैल का यूज करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद क्रमशः ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रखा जाएगा। इसी तरीके से हर टेंस का अनुवाद आप लोग कर रहे थे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपको विल अथवा शैल का प्रयोग करते हुए अनुवाद करना क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। प्रमुख रूप से पहले बताया जा रहा था कि शैल का प्रयोग ओनली आई और वी के साथ होना चाहिए, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और अन्य सभी कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि विल का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते, आई वी के साथ भी कर सकते और शैल का प्रयोग केवल आई वी के साथ करें। और इम्फैटिक सेंटेंस में उल्टा कर देते हैं, विल के स्थान पर सेल, सेल के स्थान पर विल कर देते हैं। इसका भी एग्जांपल आपको आगे बताया जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है आपके सामने, देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर यू। वह तुम्हारे साथ यहां आएगा, वह के अंत में गा आया तो फ्यूचर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट वाक का सब्जेक्ट पहले रखेंगे वह, मास्कुलिन जेंडर ही. अब आप जब बात करते हो तो फार्मूला को देखते हैं. फार्मूला के अकॉर्डिंग अनुवाद होता है विल अथवा शैल का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब. तो ही के साथ विल का प्रयोग ही विल. अब वर्ब का प्रयोग होगा आना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम ही विल कम. आप जैसा कि इसके पहले बताया गया था कि अनुवाद अधिकतर जब आप करते हैं सब्जेक्ट के उपरांत पीछे से आगे की ओर जाते हैं. अब यहाँ के लिए रखेंगे हियर, हो गया ही विल कम हियर. अब बचा तुम्हारे साथ, तो विद यू. He will come here with you. अब क्रम से आपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट रखे और ट्रांसलेशन हो. अनदर एग्जांपल है मैं आज रात इस कमरे में सोऊंगा. यहां पर सब्जेक्ट आई. अब जैसा कि बताया जाता है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहता है विल का भी प्रयोग करोगे तो गलत नहीं होगा. तो आप विल अथवा शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं. तो आप शैल ही का प्रयोग करें. आई शैल, अब इधर से आप पीछे से आगे की ओर आएंगे, सोना स्लीप. आई शैल स्लीप, मैं सोऊंगा. अब आपको ऑब्जेक्ट रखना है इस कमरे में, इन दिस रूम. इन दिस रूम, इस कमरे में. अब शेष बचा रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस आज रात. टू नाइट का मतलब होता आज रात. टू नाइट, पूरा सेंटेंस हुआ आई शैल स्लीप इन दिस रूम टू नाइट. आज मैं आज रात इस कमरे में सोऊंगा. थर्ड एग्जांपल है वह कल उसे जरूर डांटेगी. इम्फेटिक सेंटेंस में आ गया, अर्थात जोर डाल करके किसी बात को कही जाए जिसमें अवश्य अथवा जरूर प्रदर्शित हो, भले जरूर न लिखा लेकिन ऐसा प्रदर्शित हो कि वह इम्फैटिक है. जोर दे करके, जोर डाल करके किसी वाक्य को बोला गया हो तो इम्फैटिक सेंटेंस होता है. जैसे मैं आज ही जाऊंगा, यह काम मैं अवश्य ही करूंगा, आज या तो इम्फैटिक सेंटेंस हो बोले जाते हैं. तो आपको इसके पहले बताया गया कि जब इम्फैटिक सेंटेंस हो जिसमें जोर डाल करके किसी बात को कहा गया हो उसमें आप जहां विल का प्रयोग होता है वहां शैल का प्रयोग कर दें, जहां शैल का प्रयोग होता है वहां विल का प्रयोग कर दें. अर्थात जैसा बताया गया कि शैल केवल आई वी के साथ प्रयोग किया जाता है तो आई वी के साथ आप विल का प्रयोग कर दें, और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है तो इम्फैटिक हो तो शैल का प्रयोग कर दें. तो इम्फैटिक सेंटेंस का अनुवाद सही जाएगा. और अलग से जरूर अथवा अवश्य की इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ेगी. वह कल उसे जरूर डांटेगी. फेमिनिन जेंडर सी. अब इम्फैटिक होने के नाते जरूर शब्द है, इसलिए आप सी के साथ विल का प्रयोग नहीं बल्कि शैल का प्रयोग करें तो जरूर का अर्थ निकल जाएगा. सी शैल डांटना इज कोल्ड. जरूर का लिखना नहीं है, शैल आपने कर दिया है. उसे हिम scold him remember कल tomorrow. तो पूरा वाक्य हुआ
सी शैल स्कोल्ड हिम टुमारो, वह कल उसे जरूर डांटेगी। इस तरीके से अगर इम्फैटिक सेंटेंस होगा तो आपको विल जहाँ प्रयोग करते हैं वहाँ शैल, और जहाँ शैल का प्रयोग होता है वहाँ विल, तो वह अर्थ निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नहीं अथवा कभी नहीं आएगा। तो निगेटिव सेंटेंस में आप करेंगे क्या? यू हैव टू यूज नॉट आर नेवर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट अथवा नेवर का यूज कर देना है। सब्जेक्ट रखेंगे, विल अथवा शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नहीं अथवा कभी नहीं के लिए नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करेंगे, और सभी अनुवाद अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इसी फार्मूला के अनुसार होना। केवल नॉट अथवा नेवर का प्रयोग विल अथवा शैल के उपरांत कर देंगे। जैसा कि नेगेटिव का एग्जांपल है, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव, तुम अपने दोस्त के साथ यहां नहीं आओगे। फार्मूला सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल। आपको बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर नहीं है, नॉट, यू विल नॉट। अब आपको इधर से अनुवाद करते हुए इधर आना, आओगे, आना, कम, यू विल नॉट कम। ऑब्जेक्ट यहां, हियर। अपने दोस्त के साथ विद योर फ्रेंड, अपना की अंग्रेजी योर, क्योंकि सब्जेक्ट यू, यू का पजेसिव केस योर, तो यू विल नॉट कम हियर विद योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के साथ यहां नहीं आओ। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस, हम अपने देश के महापुरुषों का अपमान कभी नहीं करेंगे। यू हैव टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, सब्जेक्ट हम, वी। इसे भी आप इम्फैटिक सेंटेंस मान सकते हैं कि हम अपने देश के महापुरुषों का अपमान कभी नहीं करेंगे। जोर डालने के बाद कही जाए अगर, तो इम्फैटिक भी इसे मान सकते हैं। तो विल अथवा शैल दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसा कि बताया भी गया है कि मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही प्रयोग करें आई वी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, और इम्फैटिक मान कर भी अगर वी के साथ विल का प्रयोग करें तब भी कोई गलती नहीं। तो वी विल, यहां कभी नहीं, नेवर, वी विल नेवर अपमान करना, इंसल्ट। वी विल नेवर इंसल्ट अपने देश के महापुरुषों का, द ग्रेट मैन ऑफ अपने देश के, आवर कंट्री। ध्यान देंगे यहां इस वाक्य में आपने अपने की इंग्लिश योर लिखा था क्योंकि सब्जेक्ट यू, यहां सब्जेक्ट हम है अर्थात वी है, तो अपने शब्द की अंग्रेजी यहां आवर लिखा गया, वी के लिए आवर पजेसिव केस, हम हमारा, यहां तुम तुम्हारा, तो अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसा कि जब आप केस पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है। तो हो गया वी विल नेवर इंसल्ट द ग्रेट मैन ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश के महापुरुषों का अपमान कभी नहीं करेंगे। इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपको बताया गया। आप समझ गए किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है।
अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद आप किस तरह करेंगे उसे बताया जाएगा। अटेंशन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एज यू नो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके होते हैं, एक की शुरुआत क्या शब्द से होती है और दूसरा तरीका है वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। तो पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से, जैसे क्या चपरासी दो बजे घंटी बजाएगा, क्या चपरासी दो बजे घंटी बजाएगा। इसके पहले प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट डेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपको बताए गए थे तो आपको जानकारी दी गई थी कि किसी भी वाक्य में जब क्या सबसे पहले हो, क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो व्हाट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उस टेंस उस वाक्य से संबंधित हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लिख देते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल है, विल। उसके बाद आपको मालूम है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसा कि फार्मूला इसके पहले लिखा गया था, सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद वर्ब क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट कर्म, यही रूल, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। इसके बाद सब्जेक्ट है चपरासी, विल द प्यून, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नंबर आता है वर्ब, बजाना, रिंग, विल द प्यून रिंग, घंटी, द बेल, रिमेंबर दो बजे एट 2 o'clock। अर्थात PM और AM क्लियर हो तो आप यहां o'clock के स्थान पर लिख सकते हैं। तो विल द प्यून रिंग द बेल एट 2 o'clock, किसी भी समय के पहले एट का प्रयोग हो, ये 4 बजे है 4 o'clock, 2 बजे है 2 o'clock, एट का प्रयोग होना निश्चित। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी हो तो आपको इसके पहले बताया गया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का प्रयोग होता है, क्या चपरासी 2 बजे घंटी नहीं बजाएगा, तो आपको द प्यून के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना हो, विल द प्यून नॉट रिंग द बेल एट 2 o'clock। अब ऐसा उदाहरण दिया गया जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, जैसे तुम उसके साथ वहां कब जाओगे, तुम उसके साथ वहां कब जाओगे। यहां पर क्वेश्चन वर्ड है कब, जैसा कि आपको प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट डेफिनिट में बताया गया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द के बीच में हो जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखें, कब, व्हेन, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, When will you, verb का नंबर आया जाना, go, object वहां there, When will you go there,
शेष है उसके साथ विद हिम। यहाँ क्लियर नहीं फेमिनिन जेंडर है कि मास्कुलिन जेंडर, तो यहाँ विद हिम अथवा विद हर लिख सकते हैं। तो व्हेन विल यू गो देयर विद हिम, तुम उसके साथ वहां कब जाओ। फॉर एग्जाम्पल उसे यहां कौन बुलाएगा, उसे यहां कौन बुलाएगा। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कौन, हु, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ड विद, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद नंबर आता वर्ब का, वर्ब बुलाना कॉल, हु विल कॉल, ऑब्जेक्ट उसे, हिम, हियर, हु विल कॉल हिम हियर, उसे यहां कौन बुलाएगा। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम करेंगे। अर्थात आपको बताया गया कि अगर क्या से वाक्य की शुरुआत हो तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे कर दें, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो उसे सबसे पहले लिख दें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड। आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अभ्यास कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।